पोती की शादी में जाने के लिए दादी 83 साल में पहली बार फ्लाइट में बैठी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। जब भी कहीं दूर जाने की बात होती है तो लोग समय बचाने के लिए फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं। फ्लाइट में पहली बार बैठने का एक्सपीरियंस काफी अलग होता है और लोग इस किस्से को न जाने कितनी ही बार लोगों को सुनाते हैं। आपने अपनी पहली उड़ान कब भरी थी? शायद हाल फिलहाल में, कुछ महीने पहले या फिर कुछ साल पहले। लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए 83 साल की उम्र में पहली बार फ्लाइट का अनुभव किया। जिसने भी ये वीडियो देखा वो बेहद ही इमोशनल हो गया। वीडियो को इंस्टाग्राम पर द बड़ी मम्मी नाम के पेज ने शेयर किया है। वायरल वीडियो में बुजुर्ग महिला को एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकलते हुए देखा जा सकता है। वहाँ जब बाहर निकलती हैं तो वह बाहर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करती हैं। इसके बाद वह फ्लाइट में बैठी हुई नजर आती हैं और उनके हाथ में फ्लाइट का टिकट भी है। वो अपने परिवार के साथ बैठी होती है और बाहर का नजारा देखने को मिलता है। उनके चेहरे की स्माइल देखकर समझा जा सकता है कि वह कितनी एक्साइटेड है। अपनी पहली उड़ान भरते ही बुजुर्ग महिला मुस्कुरा रही थी। वीडियो पर लिखा POV, अपनी पोती की शादी कराने के लिए 83 साल की उम्र में पहली उड़ान भर रही है। फ्लाइट से लैंड करने के बाद जब वह उन्हें डेस्टिनेशन पर ले जाया जा रहा था तो वह एक गाड़ी में सुकून से लेटी हुई नजर आई। कुछ ही सेकंड के वीडियो ने लोगों को चौंका कर रख दिया। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, उस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार जो एक बच्चे की तरह दादी की देखभाल कर रहा है। लोगों के लिए यह प्रेरणा है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को घर में छोड़कर घूमने के लिए चले जाते हैं। वह अभी भी यात्रा कर रही है और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है।